अभी हाल ही में गोरखपुर से चलने वाली राप्ती सागर इंटरसिटी हम सफर गोरखपुर धाम जो जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली जिनका वेटिंग टिकट है या आरएसी है ऑटोमेटिकली कंफर्म हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो क्योंकि क्या है ना कि रेलवे ने एक नई डिवाइस बनाया है जिसका नाम है HST। इसके थ्रू क्या होगा ये डिवाइस जो है वो TT के पास रहेगा, इसमें आप मोबाइल का भी काम करेगा उनका और इसी के थ्रू वो आपके चार्ट देखेंगे जिसमें क्या होगा लाइव अपडेट होता रहता है आपका चार्ट। पहले क्या होता था एक बार चार्ट प्रिपेयर हुआ उसके बाद आपका वेटिंग है तो वेटिंग ही रहता था पूरा सफर में, चाहे वो सीट भले ही खाली हो फिर भी आपका सीट जो है आपका टिकट जो है वो वेटिंग ही रहता था। तो इस डिवाइस में यह फायदा हो जाएगा, एक तो आपका लाइव अपडेट होता रहेगा जब भी सीट खाली होगी आपको मिल जाएगा नंबर बाई नंबर, जिसका भी वेटिंग जिस नंबर पे होगा उस हिसाब से कंफर्म होता जाएगा। इसमें क्या है TT जब भी आएगा वो डिवाइस उसके पास होगा तो वो डिवाइस के थ्रू जो HST है उसके थ्रू वो चेक कर लेगा, लाइव भी उसमें अपडेट होता है कि वो चेक कर लेगा हाँ आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। इसमें एक ये फायदा हो गया। दूसरी बात है अगर चालान वालान भी अगर काटता है किसी तरह का फाइन मारता है तो वो भी लाइव ही होगा, तो उसमें जब पर्ची निकलेगी जो लाइव सबमिट होगा तो उसमें TT क्या है आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता है। इसका जब भी आप कंप्लेन करेंगे तो उसके ऊपर जो अधिकारी होंगे उनको लाइव ही अपडेट होता रहेगा कितना पैसे लिया है। यदि आप बताएंगे कितना पैसे मैंने दिया है TT ने इतने का फाइन मारा है तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कितने का फाइन है और कितने पैसे आपको लिखा है। सबसे बड़ी सुविधा इसमें आपको यही है कि आपका टिकट अगर आप वेटिंग लेकर सफर करते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी बीच सफर में ही। इसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि IRCTC के थ्रू जो टिकट बुकिंग होंगे उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, ये विंडो के थ्रू जो वेटिंग टिकट होंगे उनको ही कंफर्म होगा। IRCTC का सेम पहले जैसा ही है, आपका अगर वेटिंग है चार्ट पेपर के संगे भी वेटिंग है तो आपका रिफंड वापस होगा, टिकट मान्य नहीं होगा। यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।